स्टूडेंट मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 मैथ। तो एग्जांपल वन जो है बेसिक से सॉल्यूशन जो है आपको समझाएंगे इप्सिता। हाँ तो कंटिन्यू करिए इप्सिता। लेट अस टेक फर्स्ट आई आई इज डिनोटेड बाय अयोटा, इट्स वैल्यू इज -1, अंडर रूट -1। यस आई स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। आई क्यूब और आयोटा क्यूब इज नोन एज आयोटा स्क्वायर इंटू आई। हमने क्या किया, आयोटा क्यूब को ब्रेक डाउन कर दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आई में। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें ऊपर गिवन है -1, हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया और आयोटा को आयोटा ही रखा। तो माइनस नॉर्मली इंटू करने के बाद हमारा पास यहाँ पे आ जाएगा -आयोटा। अब एग्जांपल कंटिन्यूइंग इसको ऐसे हम करेंगे तो हम लोग को एक यहाँ पे एक पैटर्न मिलता रहेगा जिसमें हम आयोटा का वैल्यूज निकालते रहेंगे। यस अब एग्जाम्पल वन पे आ जाता है। तो एग्जाम्पल वन ये है। तो फर्स्ट इस एग्जाम्पल में हम लोग को यही बताना है, यहाँ पे पूछा ये गया है कि ये वाला जो इक्वेशन है हम लोग को इस वाले इक्वेशन के साथ बराबर बताना है, इक्वेलेंट करना है। तो फर्स्ट एक्स को हम 3 के साथ इक्वेलेंट करेंगे। तो 4x इक्वल्स टू 3 प्लस आई, ये एक अलग है, ये एक चीज़ रहेगी। आयोडा वाला टर्म रहेगा वो। आयोटा फर्स्ट टर्म रहेगा यहाँ पे 3x माइनस वाई, और यहाँ पे आयोटा वाला रखेंगे आई -6। तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम नॉर्मली डिवाइड करके निकाल लेंगे, 4 को उस साइड ले जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। इस वाले पार्ट में रखेंगे तो पहले हम आयोटा आयोटा दोनों साइड है तो वो इक्वल ही है, तो उसको हम हटा सकते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी एक्स की वैल्यू पता थी तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 × 3/4 -y इक्वल्स टू -6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9/4 -y इक्वल टू -6। -y की वैल्यू इधर रखेंगे -6, इस वाले वैल्यू को इक्वल्स के उस साइड ले जाएंगे तो -9/4 हो जाएगा। -y एलसीएम ले लेंगे 4 -24 -9, 4 को उधर इंटू कर दिया। -y इक्वल्स टू -33 अपॉन 4, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 33/4। दैट्स ऑल। ओके।